सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ लिटिल डिफरेंट क्योंकि मैं जा रहा हूँ ऋषिकेश, तो मैंने सोचा क्यों ना एक व्लॉग बना लिया जाए यार, क्योंकि मेरा पता है क्या सीन है, हर दो तीन महीने में एक ट्रिप लग जाती है, तो इस बार मैंने सोचा यार क्यों ना हर चीज रिकॉर्ड ही कर ली जाए। इट्स गोइंग टू बी अ गुड वीडियो। मैं जा रहा हूँ मेरे दोस्तों के साथ, जहाँ मैं पहले काम करता था वहाँ के मेरे कलीग्स, तो हम रोड ट्रिप पर जा रहे हैं, एक रोड ट्रिप नहीं बाय रोड जा रहे हैं। तो अभी फिलहाल मुझे 3-4 लोगों को पिक करना है। पहले मेरे मैनेजर, वो अभी शेरिटन होटल में, आई डोंट नो वाई रहते, दिल्ली में ही है लेकिन पता नहीं होटल में क्यों रुके हुए, मुझे जानने में इंटरेस्ट भी नहीं है, बट मुझे उन्हें पिक करना है। फिर मुझे एक लड़की को पिक करना है, वो भी साकेत के पास में ही मिलेगी, एक लड़का है वो भी साकेत के पास मिलेगा, एंड देन एक और लड़का है जिसको हमें साउथ एक्स से उठाना है। तो पहले मैं इन लोगों को पिक कर लेता हूँ और फिर दिखाते हैं आपको आगे। चलो, कितने लोग हो गए? हाँ, दो लोग। अरे पागल हो क्या, जहर लग रहा है, ये लोग चेंज कर देता हूँ यार। हाँ भाई, तुम चश्मे बन के बैठ रहे हो। दो लोगों को पिक कर चुके हैं, दो बचे हैं, एक मिलेगा अभी यही, एक को लेने जाना है साउथ एक्स, तो चलो ना भाई। और इन्होंने शाम से रात कर ली भाई, मैंने नहीं करी है भाई, क्या ही करूँ, मैंने भी नहीं करी, मैं भी टाइम पे आ गई थी, 5-10 मिनट लेट टाइम से यार, वो निकल भी गया मैं भाई, कितना लड़ रहे यार। अब 10 मिनट के लिए इतना सुना रही है ये, अरे फिर वही बात झूठ बोल रहे, जब मैं कह रहा हूँ कि मैं स्टोर से निकल चुका था, मैंने कैरी बैग भी, हाँ स्टोर में हूँ, क्या कर रहे हैं, बुलाना उनको भाई, लेट करवा रहे हैं वो भाई, लेट करवा रहे हैं वो, नहीं मैं भी क्या, अभी 9 कहाँ बजा यार भाई, 10 बजने वाला है। अच्छा, मुझे लगा 9 नहीं बजा होगा भाई। कॉफी आई है, कॉफी 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 प्लीज। नाइस यार, ये क्या है, ठरने की बोतल है गाइस, लोग कॉफी पी रहा हूँ मैं, इट इज नॉट अ बियर। ये खुलती कैसे, अच्छा जान लगानी होती है। नाइट शिफ्ट कोल्ड ब्रू, यू कड़वी है बहुत, ये कौन सी है साले, इसका लॉक ही टूट गया, घंटा मिलेगी भी नहीं अभी। अबे बहुत कड़वी है, पी के देखो, लो। मैं नहीं पी रहा, बहुत कड़वा है, एंड में जो टेस्ट आ रहा है। स्टारबक्स की कॉफी है भाई, स्टारबक्स की है ये भाई, पैसे आ गए क्या विशाल के पास, भाई ग्रुप का इंट्रोडक्शन देते हैं। हर ग्रुप में एक बंदा ऐसा होता है जो अपने आप को समझता है मैं बाप हूँ, मैं ही हूँ, ठीक है, तो आप, सर ना, हाँ ठीक है, ग्रुप का एक बंदा होता है जो एकदम पानी की तरह होता है, जिस नहीं भाई तुम नहीं, उसे कहीं भी डालो वो वैसा हो जाएगा, वो मैं नहीं, पवित्र नहीं वो मैं हूँ, फॉर्मलेस बिल्कुल नहीं, बहस करती हो, बहस क्या करती है डार्लिंग, वो बात होती है कि जहाँ भी डालो, एक होता है जो तेज चलता है वो विशाल, अभी तो मैं दिख रहा होगा, अभी तो बोल ही नहीं रहा, जो बोले ही जा रहा है बोले ही जा रहा है, विशाल तो शांत है भाई, विशाल तो बोल ही नहीं रहा, एक होता है आशिक, वो इस फ्रेम में आ ही नहीं रहा है, वो अलग सदमे में, एक है बस, एक गुमनाम है। तो दिल्ली से हम निकले कुछ 10:30 बजे, और क्योंकि हमारे ग्रुप में से अगले दिन एक इंसान का बर्थडे था, तो हमने सोचा क्यों ना रात के 12 बजे हम सेलिब्रेट करें, और इसलिए हमने गाड़ी एक छोटे से रेस्टोरेंट पर रोक ली। मुझे केक दिखाओ, केक का है यार ये केक, सुंदर है बहुत सारा, बर्थडे इन शख्स कहते हैं, शख्स का है, शख्स भाई, केक मुंह पे नहीं लगाएगा कोई, साहिल के मुंह पे क्यों लगाएगा, कितना बढ़िया केक है, खाएंगे भाई, केक तो दिखाओ, अभी बहुत बेटू भी, तो क्या कौन सा गाना गाते, खाऊंगा हैप्पी बर्थडे टू यू, नाइस, क्यों बोल रहे हो, केक अच्छा है, पहले बोल दूँ मीठा भी नहीं है ना, हाँ स्वाद है, हाँ मीठा भी नहीं है, बता नाइस यार, सब भूखे हैं मैं, इंटरेस्ट भी भूख की वजह से भी अच्छा लग रहा है। और फिर हमने ऑर्डर किया डिनर, क्योंकि हम काफी ज्यादा भूखे थे, हालांकि खाना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, बट इट वॉज द ओनली ऑप्शन।
उसके बाद हमने शिवपुरी तक ड्राइव की, लेकिन बारिश कुछ ज्यादा ही हो रही थी तो ऐसे में हम पहाड़ों की तरफ नहीं जाना चाहते थे और हमने ये डिसाइड किया कि हम कोई सस्ता सा होटल लेके वहीं रात बिताएंगे। और भाई लोगों, हम उठ चुके हैं। रात को क्या किया हमने, रात को हम कितने बजे पहुंचे थे, हम 2:30 बजे यार हमने कार रोक ली थी। हमने एक ऐसा ही खस्सी बोलते हैं ना पुनीत कुमार, खस्सी सा होटल ले लिया और वहाँ हम सो गए, क्योंकि भाई रात को ड्राइव नहीं करनी थी, रात को ऋषिकेश जाना नहीं था, तो हमने सोचा सो जाते हैं। अभी हम 2 लोग ही उठे हैं, बाकी सारे नेस्ती हैं, साले पता नहीं क्या मेहनत की उन्होंने रात को, जोड़ीदार सो रहे हैं अभी। हाँ, उनका इंतज़ार कर रहे हैं और फिर हम निकलेंगे ऋषिकेश। इस बार गाड़ी मैं चलाऊँगा, चलाने देंगे मुझे वो? और क्या भाई, भाई ठीक है, देखते हैं, आराम करेंगे ना, अभी थके होंगे। हाँ, अभी थके हुए होंगे, तू चला साहिल गाड़ी, वो पीछे सोएंगे। चलो, अभी हम कहाँ घूम रहे हैं, हम हरिद्वार की गलियों में घूम रहे हैं फिलहाल। यहाँ बहुत सारे मंदिर है। रात पता है जैसे हमने जो होटल लिया था वो हमें 5 लोगों को पड़ा सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये का, हरिद्वार में सस्ते सस्ते होटल 699 रुपीज। मैं फेमिनिस्ट हूँ, लड़कियों वाले परफ्यूम लगाता हूँ, जो मिल जाए वो लगाता हूँ। बस नाइस, इसका नाम क्या है, लेडी 23। धन्यवाद पुनीत सुपरस्टार। अब ड्राइवर हो चुका है चेंज, अब हम उस होटल से चेकआउट कर रहे हैं जो हमने सस्ता होटल लिया था रात को सोने के लिए। अब हम जा रहे हैं शिवपुरी। भाई तुम दिख ही नहीं रहे, कहाँ पे हो तुम? मैनेजर साहब दिख रहे हैं, हैट पहन रहे हो क्या भाई? ले आओ हैट, ले आओ तीनों, अब अभी कहाँ उतर के पहनेंगे, चलो आ जाओ। अरे बैठ जाओ, क्या कर रहे हो? क्विक अपडेट, हम दोबारा खाने के लिए रुके, यार बहुत खाते हैं हम बैस किया। हम कितनी बार रुक चुके हैं खाने के लिए? 4 बार, कम से कम 4 बार हम खाने के लिए रुक चुके हैं। तो अभी हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। क्या क्या मंगवाया हमने, ऑर्डर बता दो सर दोबारा। मंगवाया है 5 पोहा, 3 चाय, 5 इंदौरी पोहा, 3 चाय, 3 चाय, 2 कॉफी, 1 पिज्जा बस, और आइसक्रीम भी आ रही है, तो बहुत सारा खाना आएगा। अभी मैं आपको एक बार, हमें वैसे पहाड़ दिखने लगे, अब हम ऋषिकेश के बहुत पास हैं, वो रहे पहाड़, एक बार आप देख सकते हो, ज़्यादा दूर नहीं है, ये है मेन रोड। ये बैठे मेरे 2 दोस्त, 2 नीचे हैं, हम ही हैं यहाँ पे कैफेटेरिया में, कोई और है नहीं। तो बुक कर दिया भाई, भाई सुट्टा पियो तो, मुझे क्या दिखा रहे हो, मारो मारो टशन मारो। तो हमने काफ़ी ज़्यादा खाना ऑर्डर कर लिया था, हमारे पास पोहा था, हमारे पास चाय थी, हमारे पास पिज्ज़ा था, हमारे पास बर्गर था। तो एक अच्छा ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल पड़े शिवपुरी की तरफ, क्योंकि हमारा प्लान था कि हम कॉटेजेस बुक करेंगे रिवर साइड और वहाँ चिल करेंगे, बट बीच में हमने कार रोकी क्योंकि हमें दिखा गन्ने का जूस और हम सब फिर वो पीने के लिए रुक गए। भाई भाई गन्ने का रस सर पे डाल लो, बोलो ये बहुत सा खेल कर दो भाई। सर पे डालो, सर पे डालो, ये थोड़ी स्लो चलाओ ना, बारिश हो रही है। भाई संभल के चढ़ना,
लाओ एक आध बैग मेरे को दे दो। ये ले रहा हूँ मैं, अरे आंखों में मार दो बहन। खाली क्यों चल रहा है ये? आराम से, खाली हूँ मैं। हाँ यहाँ आराम से चढ़ना। ये तो फिर भी लेडीज है। भाई ये कुत्ता पहचान गया। अभी इसके बच्चे भी तो हैं। बड़े हो गए होंगे बच्चे। नाइस एस। तो भाई यहाँ कम से कम यार हमें 200-300 मीटर ऊपर चढ़ना पड़ गया होटल में जाने के लिए, बट इट इज़ गुड। सांसें फूल गई इतनी सी देर में मेरी तो। भाई फिजिकल हेल्थ बहुत ख़राब है। बारिश वैसे अब कम हो रही है। भाई लोगों पीछे देख लो एक बार, सब कैमरे की तरफ करके। हेलो हेलो, अब तो छाता बंद कर लो, बारिश कम हो गई। अबे बारिश का पानी है वो सारा। नाइस व्यू। तो भाई लोगों रूम से बाहर का व्यू देखो भाई। फाइनली हम आ गए अपने रूम में, अभी मैं आपको रूम दिखा देता हूँ, जल्दी वहां से हटो। तो यार अब पता है क्या, अब हम आ तो चुके हैं लेकिन हमें जो एक्टिविटीज़ वगैरह करनी थी वो तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई। तो अभी हम सिर्फ पूल में मज़े कर सकते हैं, तो हम वही करेंगे। चलो भाई कपड़े चेंज कर लो, पूल में चलते हैं। कपड़े उतर चुके हैं, अब जा रहे हैं हम पूल। आते रहना भाई, हम नहीं कर रहे तुम्हारा इंतज़ार। यार एक चीज़ भूल गया मैं, लेकिन स्लीपर्स ले लेता हूँ अपनी। भाई मेरी स्लीपर्स, स्लीपर्स पहन के जाएंगे यार। चलो 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 जल्दी, पहन ली स्लीपर। भाई स्लिप मत होना, सीढ़ियाँ बहुत फिसली, फिसलन वाली हो रखी है, फिसलन। ओके भाई पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया यार, अब चलते हैं पूल की तरफ। मध्यम मध्यम बारिश हो रही है बट इट इज़ नाइस। तो भाई सीन ये है, पानी है बहुत ज़्यादा ठंडा बट मज़ा आ रहा है। आ जाओ जल्दी, क्या इंतज़ार कर रहे हो, मैं अकेला ही हूँ यहाँ। तो भाई हमने क्या किया, ये पंचवती कॉटेज है, हमने ये बुक कर लिया फॉर वन डे, और अब हमें मिल रहा है ये प्राइवेट पूल जो हम इंजॉय कर रहे हैं। भाई डर क्या लग रहा है, आ जाओ ना भाई, इधर से आओ ना, उधर से। तो अभी हम ये सोच रहे हैं कि पूल में स्पीकर कनेक्ट करके अपना मस्त पूल पार्टी करें। बारिश हो रही है हल्की हल्की, एंड इट इज़ बहुत अब तो तेज़ हो गई एकदम से। भाई लेकिन अच्छा लग रहा है, अब बारिश का पानी ठंडा लग रहा है और पूल का पानी हल्का सा गर्म। मैं आपको एक व्यू दिखाता हूँ यार, ये व्यू देखो कितना सही है, पीछे ये पूरे पहाड़ कोहरे में हो रखे हैं, पता नहीं कोहरा है बादल है, ऑब्वियसली इट इज़ बादल बादल क्योंकि मानसून का सीज़न है। ओए डूब गया मैं। नाक में पानी चला गया बे। Nice. Cheetos. भाई लोगों बादल देखो, ऐसा लग रहा है बिल्कुल यही है, इतना सही व्यू है यार यहाँ। नहीं अरे बाहुबली
भाई हम पूल में मजे कर रहे थे, ये बंदर हमारा चीटोस ले गए। वो खा रहा यहाँ से, मतलब साइड यहाँ से ये चीटोस ले गया मेरा। अरे कौन सा खा पे ना, नहीं क्यों दो ये? अबे दे दे यार, क्या हो गया? खाएंगे हम। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। देख रहा है, ओ ओ कर रहा है। शेयर 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 शेयरिंग। अरे भाई पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ, ये शक्ल बना रहे हैं। नहीं नहीं मत करो मत करो। अभी बस अचानक से एक मूड बना कि अंडर वाटर स्विमिंग करें, तो करके देखते हैं। मुझे तो बहुत ब्लर ब्लर दिख रहा था, वीडियो देखते हैं क्या बनी है। भाई इस वक्त बादल देखो कितने सही हो रखे हैं पीछे, बिल्कुल यही है एकदम। और कुछ ऐसा था हमारा पहला दिन ऋषिकेश में, जो कि हमने सिर्फ और सिर्फ पूल में रहकर बिता दिया, क्योंकि उस दिन वहाँ बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, लैंडस्लाइड्स हुई थी, तो बाहर घूमना वॉज नॉट सेफ। तो इसलिए हमने वो दिन सिर्फ अपने कॉटेज में ही स्पेंड किया। इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, इसलिए सबके फोन भी डिस्चार्ज थे और रात भर बिजली नहीं आई। बट अगले दिन हमने काफी कुछ किया क्योंकि फिर हम थोड़ा नीचे की तरफ आ गए और हमने सोचा कि कार छोड़कर स्कूटी से ट्रैवल करते हैं, तो वो सब चीजें आपको मिल जाएगी इन माई सेकेंड ब्लॉग।